कि हमारे वायुमंडल में तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं, कुछ गैसें हैं, जलवाष्प है और धूल के कण। कुछ चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये ना तो नोट्स में मिलेंगी ना आपको किसी किताब में मिलेंगी। ये मत सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ नोट्स में होगा, उतना हो ही नहीं सकता है, जान ही रहे हैं आप। तो आज नाइट्रोजन की हम लोगों ने कल बात किया था, ऑक्सीजन की बात किया था, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस पे हम थोड़ा ज़्यादा ही बात करेंगे ताकि आगे ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या आपकी आज ख़त्म हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा सा पेकुलियर अलग टाइप की गैस है। सबसे पहले हम ये समझें कि ये गैस किस तरह का व्यवहार करती है। तो देखिए जिन क्षेत्रों में ग्रोइंग पीरियड नहीं मिलता है, ग्रोइंग पीरियड का मतलब होता है किसी भी फसल के लिए एक निश्चित समय तक एक निश्चित तापमान मिलेगा तभी वो फसल होगी। जैसे गेहूं है, तो गेहूं अक्टूबर में बोते हैं तो बोते समय इतना टेम्परेचर चाहिए, उसके बढ़ते समय कम टेम्परेचर चाहिए, फिर पकते समय ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ये लगभग 3-4 महीने तक ऐसा ही हो तो गेहूं होगा। तो हम बोलेंगे कि गेहूं का ग्रोइंग पीरियड 3-4 महीने है और ये टेम्परेचर रेंज होना चाहिए। टमाटर आपको बोना है तो टमाटर के लिए भी एक निश्चित टेम्परेचर रेंज होना चाहिए और निश्चित समय तक होना चाहिए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अब मान लीजिए ऊंचे अक्षांशों में नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इन देशों में कुछ फसलों के लिए ग्रोइंग पीरियड नहीं मिल पाता है, लेकिन उनको चाहिए वो। भाई टमाटर के लिए आपके यहाँ परिस्थितियाँ नहीं हैं लेकिन टमाटर मुझे खाना है, चुकंदर के लिए हमारे पास उतना क्लाइमेट अलाउ नहीं कर रही है लेकिन हमको चुकंदर चाहिए, या जितना भी मार्केट गार्डनिंग होती है इनके लिए ऊंचे अक्षांशों में तापमान प्रॉपरली उपलब्ध नहीं होता है। तो इसको भूगोल की भाषा में कहते हैं कि इन फसलों को वहाँ पर वर्धन काल ग्रोइंग पीरियड नहीं उपलब्ध हो पाता है। अब क्या करें फिर उसके लिए हम, उसके लिए एक घर बनाया जाता है। जैसे स्पेन में टमाटर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, करते क्या है किसान यहाँ पर कि अपने खेत के ऊपर एक शेड डाल देते हैं। ये 10-20-50 हजार हेक्टेयर में भी हो सकता है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, और किनारे किनारे खंभे भी लगा दिए जाते हैं। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो टीन शेड का शेप हमने सिर्फ बनाया है, ये टीन का शेड नहीं होता है, ये क्या होता है एक विशेष प्रकार का ग्लास होता है, कांच। इस कांच का कुछ स्पेशल करैक्टर होता है। जैसे आप समझिए कि बहुत से ऑफिसेज होते हैं जिसमें अंदर लोग बैठे हैं, आप उनको नहीं देख सकते, वो आपको देख सकते हैं। कारें हैं, कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति आपको देख सकता है, आप उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये कांच कुछ इस तरह का होता है कि यह शॉर्ट वेव्स को नहीं रोक पाता। शॉर्ट वेव्स मतलब क्या? सौरिक विकिरण। तो सौरिक विकिरण प्रवेश तो कर गया इसमें, वो इस पृथ्वी के सतह को गर्म भी करेगा। अब पृथ्वी जब उस ऊष्मा को लौटाने की कोशिश करेगी तो ये इसी रूप में नहीं लौटा पाती है। जैसे आप कर्जा किसी से 10,000 लिए हो, 5-500 करके लौटा रहे हो, वैसे ही पृथ्वी जब इसको लौटाने की कोशिश करेगी तो वो लॉन्ग वेव्स के रूप में लौटाएगी, और इनको यह कांच बाहर नहीं जाने देगा। यानी कांच कैसा है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है
लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण के लिए ये अपारदर्शक होता है। अब क्या होगा, इसमें ऊष्मा संग्रहित होने लगेगी, फिर भाई इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो ही नहीं रहा उस रेशियो में, तो इस घर का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें वह फसलें हम बो सकते हैं जिनको वो तापमान नेचुरल वे में नहीं मिल पाता जो हमने इस घर को बना करके दे दिया। तो क्या है ये, कांच का घर है ना, ये कांच का घर है, कांच बड़ा स्पेशल टाइप का है, ग्लास हाउस है ये, और इस कारण से अब हम इस घर में टमाटर उगा सकते हैं, गोभी उगा सकते हैं, यानी कुल मिला के ये घर कैसा होगा, हरा भरा होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ग्रीन हाउस है। हरित गृह, ये घर क्या कहलाएगा, हरित गृह। इसको कांच घर कहिए आप, ग्रीन हाउस कहिए या हरित गृह कहिए आप। अब जिन फसलों को ग्रोइंग पीरियड नहीं मिल पाता है, उन फसलों को हम इस तरह से तापमान अपने अनुसार कंट्रोल करके उनका उत्पादन ले सकते हैं। आजकल तो खैर बहुत हाईटेक व्यवस्था हो गई है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अभी आगे हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर और ज़्यादा। तो इसको हम बोलेंगे कांच का घर। अब कोई भी वायुमंडल की गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोई भी हो, अगर इस कांच के जैसा व्यवहार करेगी, कैसा व्यवहार, कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वह न पकड़ सके, पार्थिव विकिरण को वो पकड़ ले, पकड़ लेगी अगर तो पकड़ के क्या करेगी, वो वायुमंडल में ही बनाए रखेगी उसको, और फिर उससे भी रेडिएशन होगा, फिर पृथ्वी की तरफ भी कुछ होगा, उसमें से बाहर भी होगा। तो कोई भी गैस जो इस कांच के घर के जैसा व्यवहार करती है उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। बहुत सी हैं ये। ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस का मूल कॉन्सेप्ट यही है कि यह गैस ऐसा व्यवहार करती है जैसा व्यवहार वह कांच करता है जो ग्रीन हाउस में ऊपर लगाया जाता है। वैसा व्यवहार अगर कोई भी गैस करेगी तो हम बोलेंगे कि ये ग्रीन हाउस वाली गैस है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस होती है जल की वाष्प, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जल वाष्प हमारे कंट्रोल में है नहीं, इसलिए हम उसका अध्ययन नहीं करते। तो अन्य गैसें भी होंगी जो इस तरह का प्रभाव पैदा करेंगी, तो इसको ध्यान रखेंगे, कांच घर, ग्रीन हाउस, हरित गृह कहते हैं, और जो गैसें इस तरह का प्रभाव पैदा करेंगी उनको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज या हरित गृह प्रभाव वाली गैस। अभी इसका हम आंकड़ा देंगे आपको, बहुत ढेर सारी गैसेज हैं जो इस तरह का प्रभाव पैदा करती हैं, फिर देखेंगे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है उसमें से और किसका रेजिडेंशियल पीरियड वायुमंडल में ज़्यादा है। अब आइए आप कार्बन डाइऑक्साइड पर, ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड अकेले ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह भी एक है, अन्य गैसें इससे भी ज्यादा इफेक्टिव हैं, उनका हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए, सपोज करिए आप, एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा आई और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं, बीच में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मूल सोर्स बायोस्फीयर है, तो स्वाभाविक रूप से ये वायुमंडल के निचले भाग में ज्यादा पाई जाएगी, खासतौर से 2 किलोमीटर के पट्टी में। अब ये क्या करती है,
सूर्य से आने वाली ऊर्जा का ये कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आ गई, लेकिन जैसे ही पृथ्वी उसको निकालने की कोशिश करेगी ये पकड़ लेगा और फिर खुद री रेडिएशन चारों तरफ करने लगेगा। तो जो उष्मा स्पेस में लौट जानी चाहिए थी वह उष्मा फिर से वायुमंडल में ही बनी रह गई। टेम्परेचर बढ़ेगा ना, फिर जो उष्मा हम चाहते थे कि आया उतना लौट जाए, बात खत्म हो जाए, उस उष्मा को ट्रैप कर लिया इस गैस ने, थर्मामीटर में रिकॉर्ड होगा ये। फिर तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, फिर वायुमंडल के तापमान को बढ़ाएंगे। इनका रेशियो बढ़ा दीजिए आप, अभी मान लीजिए 20 कण दिख रहे हो, 50 कर दीजिए आप, क्या होगा, ज्यादा उष्मा को ट्रैप करके ये रख सकती है। तो हम बोलेंगे कि ये गैस क्या कर रही है या क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, वैश्विक तापन, कई नाम हैं, सब नाम जानना चाहिए आपको, वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, वैश्विक उष्णता, इसके लिए जो गैसें जिम्मेदार हैं उनको हम ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें कहते हैं। और अभी हमने बता दिया कि चूंकि ग्रीन हाउस में जो कांच प्रयोग होता है वह कांच भी ऐसा ही व्यवहार करता है, इसलिए ग्रीन हाउस नाम दिया गया, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें। अब कंबल आप ओढ़ते हैं तो कंबल किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पैदा करता है, जब कंबल आप ओढ़ते हैं तो कंबल में छेद होते हैं, तो वो क्या करता है कि जो शरीर उन छेदों में, कंबल के जो छिद्र होते हैं उसमें हवा भर जाती है, और हवा एक बैड कंडक्टर है, यानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत करती है, ये बाधा डालती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हवा क्या है, एक बैड कंडक्टर है। अब कंबल आपने ओढ़ा, कंबल के जो छिद्र हैं उसमें हवा फंस गई, अब शरीर से जो आपके उष्मा मिलेगी निकलेगी, हम लोग क्या हैं, समतापी जीव में आते हैं, यानी हमारा टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा सब समान बना रहता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो जो भी उष्मा आपके शरीर से निकलेगी वह कंबल क्या करेगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो जो ओढ़े हैं आप उसी स्पेस में उतने ही में वो सारी उष्मा संग्रहित होने लगेगी और आपको लगेगा कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है, जाड़ा कम लग रहा है। बाहर से आने वाली उष्मा और अंदर से जाने वाली उष्मा, ये दोनों के प्रति वह एक इंसुलेटर का काम करेगा। तो हरित गृह प्रभाव वाली गैसें जो प्रभाव पैदा करती हैं उसको हम लोग कंबल प्रभाव भी कहते हैं, ब्लैंकेट इफेक्ट, कंबल प्रभाव, सारे सब जानिए, क्योंकि ब्लैंकेट भी वही काम करता है जो ये गैसें करती हैं, ब्लैंकेट इफेक्ट। तो बहुत ढेर सारे शब्द आ गए आपके पास, कांच घर आपने देखा या हरित गृह, ये एक ऐसा घर होता है जिस पे एक विशेष प्रकार का कांच लगा होता है, अरे फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, ग्लास कई तरह के होते हैं, तो ये ग्लास है, यही कंपनी बाग में 1.5 बीघे में ग्रीन हाउस बना हुआ है, जाके देख आइएगा। तो ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा को नहीं रोकता है, वो पहुंच जाती है नीचे, लेकिन जब पृथ्वी उस ऊर्जा को लॉन्ग वेव्स के रूप में लौटाने की कोशिश करती है तो ये कांच उसको रोक देता है और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इसलिए हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस वाली गैसें कहते हैं, और इस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, वैश्विक उष्णता, कंबल प्रभाव, ब्लैंकेट इफेक्ट कहते हैं। चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड पे लौटे। कार्बन डाइऑक्साइड की ही क्यों हम लोग चर्चा करते हैं, जबकि आगे हम अभी आपको आंकड़ा देने वाले हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट बहुत कम है, अन्य गैसों का इससे कई गुना ज्यादा है, कुछ गैसें हैं 2000 गुना ज्यादा इफेक्ट पैदा करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक पार्टिकल के कंपेरिजन में। तो देखिए, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का दो रोल है इंपॉर्टेंट। पहला, यह प्रकाश संश्लेषण के काम में आती है,
और दूसरा यह वैश्विक उष्णता पैदा करती है। और दोनों इसके जो रोल हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देंगे। ये कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा हो तो बढ़िया है, और ये कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो दिक्कत आएगी। जैसे इसकी बात करें, आपने क्या एक फार्मूला एक दिन हमने चर्चा किया था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं इसको रख लीजिएगा, ये बार बार आपके सामने आएगा। और एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। और हमने कहा था कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी पौधा मरेगा तो फिर ये उल्टी प्रक्रिया करके यही चीज़ बन जाएगी। अगर पौधे को अपना वजन 1 पाउंड बढ़ाना हो, 1 पाउंड मतलब आधा किलो, तो 1 लाख क्यूबिक फिट, 1 लाख क्यूबिक फिट मतलब समझिएगा, इस कमरे दोनों कमरा जोड़ दीजिए, इतने में जितने कार्बन डाइऑक्साइड के कण हो अगर सबको खींच ले वो और प्रकाश संश्लेषण करे तो उसका वजन 1 पाउंड बढ़ेगा। आपको नहीं लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात अगर हम बढ़ा दें वायुमंडल में तो पौधे को थोड़ी सुविधा हो जाएगी? यानी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो वायुमंडल में अगर ज़्यादा हो तो हम मानेंगे कि अच्छी बात है, पौधे को बहुत दिक्कत हो रही है चुन चुन के लेने में 0.03% में, 1% बढ़ा दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो अगर वायुमंडल में बढ़ेगा तो पौधों की या वनस्पतियों की, खासतौर से ग्रीन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। अभी हमने कहा कि ये गैस सोलर जो रेडिएशन है या सौरिक विकिरण के लिए ट्रांसपेरेंट होती है और पार्थिव विकिरण के लिए ये ओपेक होती है, यानी कि पास नहीं होने देती है, इसलिए यह वैश्विक तापन में मदद करती है, वैश्विक उष्णता को ये बढ़ाती है। तो अब हम लोग पहले ये देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जब से हमने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किया तब से इसके रेशियो में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। एक आंकड़ा देखिए, एक ग्राफ है छोटा सा, इसको आप बना ही लीजिएगा क्योंकि बहुत कीमती ग्राफ है ये। ग्राफ ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पर हम टाइम स्केल ले रहे हैं समय, और यहाँ हम दिखा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड PPM में। PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन तो 10 लाख,
यानी 10 लाख वायुमंडल के कण लें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कण कितने होंगे संख्या में, उसको ppm कहा जाता है। ये शब्द आपसे बहुत टकराएगा। हम औद्योगिक क्रांति से शुरू कर रहे हैं, जब ठीक ठाक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी 1860। पहले बना लीजिए फिर बात करते हैं। बना लीजिए फिर बता देते हैं क्या है।
यहाँ लिखा है रेट ऑफ इंक्रीज 4% पर ईयर, यहाँ लिखा है 2% पर ईयर। 380, 350, 334, 294 से ग्राफ शुरू होगा। क्या बताया गया है इसमें, यहाँ पर सन है 1860, 1880, 20-20 साल का इंटरवल है, 1900, फिर 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020, 40, 60, इधर प्रोजेक्टेड है अनुमानित। अब 1857 में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख वायुमंडल के कणों में कै कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, कितनी थी 294। देख लीजिए 1940 तक इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकरण की रफ्तार धीमी थी, अभी 300 के नीचे ही रही, नहीं है यहां से देख 300 के नीचे रही। अचानक 1940 के बाद देखिए बढ़नी शुरू हुई और 1980 में आकर कितनी पहुंच गई 334, यानी कि 34 और 6 40 की बढ़ोतरी हो गई। फिर आगे प्रोजेक्टेड एक है कि अगर ये 4% के रेट से बढ़ेगी तो ये वाला ग्राफ चलेगा, यानी 700 कब पहुंचेगा, 2040 तक पहुंच जाएंगे आप, वायुमंडल में 700 कार्बन डाइऑक्साइड के कण हो जाएंगे प्रति मिलियन में। और अगर 2% यानी थोड़ा सा कंट्रोल किया आपने, बहुत ढेर सारे आप लोग आजकल ग्लोबल लेवल पर चल रहे हैं ना प्रयास कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए, क्योटो सम्मेलन पढ़ते हैं, कोपेनहेगन फलाना धमाका, तो अगर कटौती करके आपने इसको 2% कर दिया तो 700 पहुंचने में थोड़ा विलंब होगा, देर से पहुंचेगा। ये तो बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में रेशियो है वो क्रमशः 1940 के बाद तो तेजी से बढ़ा है। 1940 तक तो लगभग 294, 95-96 हो गया होगा, एकाध कणों की बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ देखिए धीरे धीरे ऐसे जाने लगा। और इसके बाद अनुमानित है ये कि अगर 4% के रेट से बढ़ेगा तो ये ऐसे चलेगा, यानी जल्दी ही पहुंच जाएंगे 700, और 2% के रेट से तो थोड़ा लेट से 700 पहुंचेंगे। और जैसे जैसे इसका रेशियो वायुमंडल में बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि देखिए अभी आप उस लेवल पे नहीं हैं, बात करेंगे हम कभी ऑप्शनल की क्लास में कि क्या वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या हमको डराया जा रहा है, तो उसके भी आंकड़े देंगे हम। ये तथ्य बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही नहीं रहा है, और कुछ आंकड़े ऐसे भी देंगे जो बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो क्लाइमेट में चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है। तो क्लाइमेटिक चेंज आप पढ़ेंगे, जीएस में तो नहीं पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक चेंज जब आप पढ़ेंगे तो वहां फिर से आएगी बात ये कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो के साथ हम एक बगल में ग्राफ बनाए टेम्परेचर का ग्लोब के हमारे, तो क्या वो यही ट्रेंड दिखाता है। अगर वो यही ट्रेंड दिखाएगा तब तो हम मानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पता चले ये बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है तो हम क्यों मानेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या पता कि हमारे कारण हो रही है या यह एक नेचुरल प्रोसेस है, ये चलता रहता है पृथ्वी पर ऐसे ही, 10-20-50 लाख साल के बाद फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर 10-20-50 लाख साल के बाद बढ़ जाता है, क्या पता हम लोग उसको कैटलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का। खैर,
तो हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, हाय तो हवा मची है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, तो हम देख लें कि कौन कौन सी गैसें और ये काम कर रही हैं और उनकी हीटिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक कण जितना टेम्परेचर को बढ़ाता है उसकी तुलना में अन्य गैसें कितना गुना बढ़ाती हैं। एक और आप आंकड़ा देखिए, ग्राफ नहीं है, सिंपल सा एक चार्ट है, आंकड़ा ये पुराना है क्योंकि नए आंकड़े उपलब्ध नहीं है अभी इस पर, ये कुछ ऐसे है। पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ओवर 20 इयर्स ओवर 100 इयर्स। अभी पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं क्या हम बोल रहे हैं।
कल तुम फिर गए थे ना, तुम अपने घर का फोन नंबर दो, पता करें जरा, कोई ना कोई बहाना मार के तुम। में देखिए क्या कहा गया है, पहले यहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों के नाम लिखे हुए हैं, गैसेज। दूसरे कॉलम में लिखा है कि पीपीएम इन 1996 एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, यानी वायुमंडल में ये प्रति 10 लाख में कितने कण पाई जाती है। यहां देखा है कि रेजिडेंसी, वह कण वायुमंडल में कितना समय तक रुकता है एवरेज। कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक कण भेजा तो तुरंत थोड़ा लौट के आ जाएगा, वहां पर जितना देर रुकेगा उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा वो। फिर यहां लिखा है कि उसकी क्षमता कितनी है ग्लोबल वार्मिंग करने में, अगर छोटे पीरियड में देखें तो 20 साल में कि उसकी क्षमता कितनी है, और अगर 100 साल के पीरियड में देखें तो क्षमता कितनी है। ये हेडिंग है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या बताया गया है कि औसत हम मान के चल रहे हैं कि उसके 360 कण वायुमंडल में प्रति मिलियन में है। रेजिडेंशियल देखिए, प्रॉब्लम अब देखिए आ रही है, क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में हैं। 120 साल इसका रेजिडेंशियल पीरियड है वायुमंडल में, 120 साल तक ये ठहर सकती है एक बार घुल गई तो। बाकी 1-1 हमने यहाँ इसलिए लिया है कि हम उसी को क्या मान रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं, उसी से तुलना करेंगे अन्य की, कि हाँ मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कितना गुना प्रभाव पैदा करती है। जैसे 1 किलो से आप 10 किलो की तुलना करते हैं ना, तो 1 किलो मानक है, वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबल वार्मिंग की जो कैपेसिटी है हमने क्या माना है उसको, 1। फिर हमने गैस देखे कि उसके कई गुना पैदा करती हैं। आप इसको जरा देखिए, अभी कंसंट्रेशन इसका कितना है, बहुत कम है, रिस्क अभी कम है इससे, रेजिडेंशियल पीरियड भी कम है, यानी आज से भी मिथेन घोलना बंद कर दें तो 10 साल बाद माहौल नॉर्मल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आज भी रोक दें घोलना तब भी 120 साल बाद असर दिखेगा इसका कि हाँ अब ठीक हो रहा है माहौल। तो 10, अब देखिए यहाँ पर इसकी हीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 60 गुना ज्यादा है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के एक कण से। तो हीटिंग कैपेसिटी तो इसकी बहुत ज्यादा है, बस इसलिए हम इसके चक्कर में नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसका रेशियो अभी कम है और रेजिडेंशियल पीरियड भी वायुमंडल में रुकने का कम है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा कम खतरा मान रहे हैं। लंबे समय में इसका प्रभाव और भी कम हो जाता है, 20 गुना प्रभाव ही पैदा करेगी अगर 100 साल 200 साल का हम अगर एवरेज देखेंगे तो। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का देखिए, अभी बहुत कम रेशियो है इसका भी वायुमंडल में, लेकिन रेजिडेंशियल पीरियड बहुत जबरदस्त, 130 साल रुकेगा ये वायुमंडल में घुल गया तो एक बार। हीटिंग कैपेसिटी 270 गुना ज्यादा है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा, लेकिन कम है संख्या में, सबसे प्रॉब्लम यहां पर है। और ये सारी गैसें, ये वाली कम से कम, ये सब नेचुरल गैसें नहीं है, ये सब औद्योगिक क्रांति का कमाल है जो हमने आपने घोला है। वायुमंडल की संरचना हम लोग खुद भी तो बदल रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सी ऐसी गैसें वायुमंडल में मिलने लगी हैं जो 200 साल पहले थी ही नहीं वहां पर। तो जो सीएफसीज हैं अभी रेशियो तो कम है, रेजिडेंशियल पीरियड इसका भी ठीक ठाक है, 50 से 120 साल तक एक कण टिकेगा, यहां प्रॉब्लम है। एक सीएफसी का कण कार्बन डाइऑक्साइड के एक कण की अपेक्षा 5000 गुना लगभग
वैश्विक तापन में मदद करेगा। तो ये एक रफ आंकड़ा है जो हर गैस का कंपरेटिव हीटिंग कैपेसिटी बता रहा है, उसका रेजिडेंशियल पीरियड बता रहा है और लमसम उसका कंसंट्रेशन बता रहा है वायुमंडल में। यानी खतरा सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा कण भी इसके हैं और इसका रेजिडेंशियल पीरियड भी ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसके चक्कर में ज्यादा हैं अभी। अब जरा ये देखें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने वाली मुख्य मुख्य एजेंसियां कौन सी हैं। यानी वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे पहुंच रही है और इसके सोर्स क्या हैं और किसका कितना प्रतिशत रोल है। पहले एक छोटा आंकड़ा देख लें, फिर एक बड़ा आंकड़ा देख लें। पहले ये देख लें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने में किस सेक्टर का कितना रोल है। जैसे सिंपल सा चार्ट है, यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और यहाँ पर इसका एडिशन हो रहा है। यानी कहाँ से ये पहुँच रही है आपके वायुमंडल में, तो डिफॉरेस्टेशन यानी वन विनाश से, डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण जिसको कहते हैं ना हिंदी में, उससे लगभग इसका 75% इंक्रीमेंट हो रहा है, 25%। ट्रांसपोर्ट सेक्टर दिन भर बस कार जीप लोग चला रहे हैं, ट्रेनें भी बहुत जगह पर अभी भी भाप इंजनों से चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रोल लगभग है 22.5%। इंडस्ट्रीज उद्योगों का रोल है लगभग 16%। बाकी जो घरेलू और अन्य व्यापारिक संस्थानों से रोल है, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल, यूज इससे भी लगभग यह है 16%। तो ये एक आपका रफ आंकड़ा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें से किसका कितना कंट्रीब्यूशन चल रहा है, एक एवरेज है। और सबसे लास्ट में एक और चार्ट बना लीजिए जिसमें मुख्य मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके सोर्स बताए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किन किन स्रोतों से स्पेशली घोली जा रही है, मीथेन किन किन स्रोतों से वायुमंडल में हमारे पहुंच रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन किन मेजर ग्रीन हाउस गैसेस यहां पर गैस का नाम लिखा है और यहां पर इसका सोर्स लिखा है। सबसे पहला नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड,
क्या क्या स्रोत आपको बताए गए हैं? सबसे बड़ा स्रोत तो यही सब है, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं इनको, जीवाश्म ईंधन पहला सोर्स है, फॉसिल फ्यूल कंबस्चन, फॉसिल फ्यूल कंबस्चन। इसमें कोयला है, बाकी गैस पेट्रोल डीजल वगैरह है, और नेचुरल गैस है। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज, निर्वनीकरण तथा भूमि उपयोग। डिफॉरेस्टेशन भाई, जब जंगल काटेंगे आप तो जो पौधा अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण कर रहा था वो तो आपने ख़त्म कर दिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा फिर? डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज, जहाँ जंगल थे आप शहर बसा रहे हैं, लैंड का अलग ढंग से प्रयोग आपने शुरू कर दिया, बांध बनाने लगे आप, नहरें बनाने लगे, रेलवे लाइन, सड़कें, कुछ ना कुछ तो वनस्पतियां कटी ही होंगी घुमा फिरा करके। तो मुख्य सोर्स ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। मीथेन दूसरी ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, मीथेन। एंटेरिक फर्मेंटेशन इन कैटल एंड इंसेक्ट, पहले लिख लीजिए फिर बात कर लेते हैं। बायोमास बर्निंग एंड गार्बेज लैंडफिल्स, कोल माइंस, एंड नेचुरल गैस लीक्स। पैडी फील्ड्स, धान के खेतों में स्वैम्प्स एंड टुंड्रा। ये इसके मुख्य सोर्स है, लिख लीजिए फिर बात कर लें फिर आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है अंग्रेजी से ना किसी को? पता चला 26 अक्षर में प्रॉब्लम होगी तो ये बड़ा कठिन लग रहा होगा। सोनू का अंग्रेजी तैयार करना काम आ रहा है आज, क्यों?
संदीप के साथ रहोगे तो अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। पांच स्रोत इसमें बताए गए हैं, इंटेरिक फर्मेंटेशन इन कैटल। एक बीच में एक सर्वे आया था, आपको याद होगा रिसर्च, कि अब गाय के पीठ पर सिलेंडर बांध दिया जाएगा और गाय चरती रहेगी और उस सिलेंडर में अपने आप मीथेन गैस भर जाएगी। तो गाय या जो इस तरह के कैटल्स हैं वो जब खाते हैं तो जुगाली करते हैं ना, तो अंदर उनके जो खाना पचता है उसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो खाना को पचाने में मदद करते हैं, उसको फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, उससे मीथेन गैस निकलती है। बायोमास बर्निंग, कोई भी आप बायोमास, मतलब पत्ती जला रहे हैं, जड़ जला रहे हैं, तना जला रहे हैं, बायोमास ऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी रूप में आप जला रहे हैं तो उससे भी गैस निकलती है। गार्बेज लैंडफिल्स, आप कूड़ा कचरा ले जा करके नगर पालिका वाले कहाँ भरते हैं, कहीं भरते हैं ना, जहाँ भरते हैं ले जाकर, जरा वहाँ जगह जाके आप खड़े होइए, देखिए गंध किस तरह की आती है, वहाँ से भी मीथेन निकलती है। कोल माइंस में से निकलती है, नेचुरल गैस लीक्स, मतलब नेचुरल गैस लीक्स का मतलब है कि प्राकृतिक गैस के लीकेज बहुत जगह आप यूज करते हैं ना, घर में भी तो यूज करते हैं आप, उसके लीकेज से भी ये वायुमंडल में घुलती है। पैडी फील्ड, धान के खेतों से ये निकलती है, और स्वैम्प्स एंड टुंड्रा, जो टुंड्रा क्षेत्र है आपका साइबेरिया कनाडा का, वहाँ पर तो ये ऐसे निकलती है जैसे फवारा निकलता है दलदली क्षेत्रों से, तो वहाँ से भी ये निकलती है, ये सोर्स हैं इसके। अब आइए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात कर लें। इसके मुख्य रूप से तीन सोर्स हैं, एक तो रासायनिक उर्वरक प्रयोग जो आप करते हैं उससे ये पैदा होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजिनस उर्वरक ही होते हैं, फर्टिलाइजर यूज, फॉसिल फ्यूल कंबस्चन यहाँ भी है, यानी अगर आप कोई भी जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, देखिए सब कुछ सारे में आ रहा है, वो फॉसिल फ्यूल्स कंबस्चन, कंबस्चन मतलब जलाना होता है। और बायोमास अन्य रूप में भी हो सकता है फॉसिल फ्यूल्स के अलावा, तो ये अलग से भी लिख देते हैं हम, बायोमास बर्निंग। देखिए फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोमास में अन्य, जो आप घर बाहर के अपना और पत्तियां और सूखे जला रहे हैं वो भी बायोमास आप जला रहे हैं, एक व्यक्ति मर गया है उसको आप जला रहे हैं वो भी आप बायोमास जला रहे हैं, तो बायोमास बड़ा टर्म है, फॉसिल फ्यूल्स छोटा टर्म है। लास्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब जिसमें क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, कार्बन भी हो, बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये, मुख्य रूप से इसमें कई आते हैं सीएफसीज में, जैसे सीएफसी 11, सीएफसी 12, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22, ये बहुत बड़ा एक सेट है, ये लास्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद। एरोसोल्स,
खास तौर से स्प्रे में आप यूज करते हैं, अरे सेंट ऑन स्प्रे करते हैं तो कैसे बाहर आ जाता है? रेफ्रिजरेशन में आप यूज करते हैं, सुनते होंगे कि रेफ्रिजरेटर में हमारी गैस खत्म हो गई है, रेफ्रिजरेशन। एंड एयर कंडीशनिंग, प्लास्टिक फोम बनाने में भी ये निकलते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ये मुख्य सोर्स हैं आपके जिन प्रक्रियाओं में CFCs यूज होते हैं। एक फिगर बस बनवा दे लास्ट, ताकि हमको आगे आसानी रहेगी। हो गया, मिटा दें। एक फिगर बस और बना लीजिए और इन फिगर्स को बार बार घर पर देखिएगा और सुरक्षित रखिएगा, ये आपके लिए आगे काफी काम आएगी। यहाँ पर कुछ बॉक्स हम बनाने जा रहे हैं इस तरह के, इसमें लिखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव, उसके नीचे 5 बॉक्स बनाइएगा। फिर एक बॉक्स यहां पर बना लीजिएगा, और एक बॉक्स यहां पर, और सबसे लास्ट में एक बड़ा बॉक्स बना लीजिएगा। सबको एक साथ हम ऐड करना चाहते हैं, इंटरलॉक करना चाहते हैं, जो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रक्रियाएं होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन और एसिड रेन। हमने कहा कि यही 3 प्रक्रियाओं पर पूरा संसार चल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
यहाँ पर ये एस ओ टू है, हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जाम्पल मिथेन, यहाँ पर सी एफ सीज हैं, यहाँ पर लिखेंगे एसिड रेन, यहाँ पर लिखेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग, सिक्स परसेंट आपस में तीनों प्रक्रियाएं कैसे जुड़ी हुई हैं वायुमंडल से संबंधित, ये बताया गया है इसमें। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, बार बार चार ही गैसों की चर्चा हम लोग विशेष रूप से कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 55% अकेले ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 6%, हाइड्रोकार्बन 15 और सी एफ सी 24%। एसिड रेन किससे किससे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। फोटोकेमिकल स्मॉग, अब ये क्या होता है इसको बाद में पढ़िएगा, कभी कभी वायुमंडल में छोटे छोटे जल की बूंदें और धुआं मिल करके बहुत सफोकेशन पैदा करते हैं। स्मोक प्लस फॉग, दोनों को जोड़ दीजिए तो स्मॉग बनता है। ये स्मॉग में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। और कल चर्चा होगी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, कि ओजोन के डिप्लीशन में यानी ओजोन के कणों को तोड़ने में कौन कौन जिम्मेदार हैं, तो कल जब बात हो जाएगी तो ये ज़्यादा क्लियर होने लगेगा ये फिगर आपका।
तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा घर पे देख लीजिएगा, जो कुछ आपने बनाया इसी को एक नज़र बस देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। बाकी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समझौते होते रहते हैं उनको आपको धीरे धीरे इसमें जोड़ते रहना चाहिए कि ये हुआ तो इसमें ये निर्णय लिया गया, ये हुआ तो इसमें ये निर्णय लिया गया। बाकी सारे फिगर्स को ध्यान से रखिएगा। कल बात करेंगे अगली गैस आपके कंपोजिशन में ओजोन।